चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा इधर इधर कम कम। और इसमें अब हम रीजन्स कर चुके हैं, हमारे साउथ एशिया का आज अंतिम पड़ाव शुरू हो गया। हमने यूनिट्स सारे कर लिए, आपको मैंने बताया हमने पाकिस्तान कर लिया, बांग्लादेश, और हमने जब वो सारे फिजिकल फीचर किए तो उसमें इंडिया हो गया था। और इंडिया की तो हम तैयारी ही कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो इंडिया के लिए तो इंडिया पॉलिटी पढ़ाई है, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इकॉनमी, वो इसमें है भी नहीं उस तरह से। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, हम सारा कर चुके। अब आगे आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन्स ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया। देखिए जो साउथ एशिया का क्षेत्र है विश्व के बड़े धर्मों की उत्पत्ति का केंद्र है। बहुत सारे, जब मैं धर्म कहूँगा यहाँ पर और जब रिलीजन है तो अब आप समझिएगा कि ज़्यादातर वर्ड रिलीजन मैं धर्म के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने जा रहा हूँ। जब जब मैं वो धर्म जो कि एक नैतिकता से भरा जीवन है, द राइटियसनेस, द वे ऑफ लाइफ, वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो ये क्षेत्र विश्व के बड़े धर्मों की उत्पत्ति का क्षेत्र है, द ओरिजिन लैंड। ध्यान से देखिए, विश्व का सबसे पुराना माना जाने वाला धर्म हिंदुइज्म यहीं पैदा हुआ, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, देखिए सिखिज़्म भी यहीं का ही है, ओके। तो विश्व के बड़े धर्म इसी क्षेत्र से जाने जाते हैं। और आज जो धर्म यहाँ प्रैक्टिस हो रहे हैं उनमें और भी बहुत सारे धर्म आ जाते हैं। ये जो धर्म मैंने बताए इनके साथ साथ ही क्रिश्चियनिटी है, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है, कौन सा बताइए, जोर से इस्लाम, क्या बात है, वेरी नाइस। अभी वही पढ़ भी रहे थे पाकिस्तान में हम, भारत में भी इस्लाम बहुत बड़े पैमाने पर है। तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, बहाई फेथ, द बहाई फेथ, ये सब फेथ हम पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एनिमिज्म। तो आज अगर इस क्षेत्र को देखें तो ये सारे धर्म आपको मिलते हैं, ये सारे मत मिलते हैं, उनमें वो भी मिलते हैं जैसे द एनिमिस्ट, जो कि इन धर्मों से भी पहले के काल के हैं, पहले के समय के हैं, जो वर्ल्ड के किसी भी मेन स्ट्रीम रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, द एनिमिस्ट, वो भी हैं। भारत में मिल जाएंगे, बाकी राज्यों में भी, बाकी मुल्कों में भी मिल जाएंगे, खासतौर आदिवासी, ओके? तो चलिए अब हम इन जब धर्मों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इसके सेंटर में मेनली इंडिया रहेगा, क्योंकि बुद्धिज़्म का उदय क्षेत्र भारत है, जैनिज़्म का भारत है, हिंदुइज़्म भारत है, सिखिज़्म भारत है, तो केंद्र में अब वो है। फिर बड़ी जनसंख्याओं को धारण करने के रूप में भी क्रिश्चियनिटी के रूप में भारत है, इस्लाम के रूप में भारत है। तो फिर उस हिसाब से अगर हम चलें तो अब हम भारत से पहले शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है, कई बार ये कई जगहों पे कह दिया जाता है कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, पर ये टेक्निकली भी वैसे करेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। और अगर हम जब इंडिया एक हिंदू स्टेट है उस सेंस में भी कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक रिलीजन बेस्ड स्टेट है, तो भी फिर ये समझना ज़रूरी है कि असल में हिंदुइज़्म कैसे है, क्या है, ओके? हालांकि ऑथर ये करेक्ट करता है कि ये एक ड्यूबियस नेम है जो इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, ये रियलिटी नहीं, इट्स नॉट अ फैक्ट। फैक्ट ये है कि इंडिया, अ मोर सूटेबल वे टू डिस्क्राइब इंडिया इज टू से दैट इट इज़ अ सेकुलर कंट्री वेयर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द, क्या गिरा भाई, मोबाइल तो नहीं गिरा? ओ हो, हेडफोन गिर गए यार, नुकसान तो नहीं हो गया होगा, पक्का संभाल के रखो बेटा, अब कानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गए हैं आज के समाज में, कान जो हैं आदमी के उस पर आदमी ज़्यादा रिलाई नहीं करता, हेडफोन जेब में, जिगर में, दिल में, हर जगह रखता है, पर नुकसान हो जाए तो दर्द होता है, बच्चा स्टूडेंट लाइफ में होता है, पहले ही खर्चे और हो रहे होते हैं। चलो मैं अब इंडिया के बारे में पढ़ाऊँ। अ मोर सूटेबल वे टू डिस्क्राइब इंडिया इज टू से दैट इट इज़ अ सेकुलर कंट्री वेयर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज हिंदू ट्रेडिशंस, ये ज़्यादा बेहतर है कहना, ये स्टेट एक सेकुलर स्टेट है जहाँ की 80% जनसंख्या हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करती है, यानी कि हिंदू संस्कृति की पालना करती है, हिंदू विधि विधान, रीति रिवाज, परंपराएं, उनकी पालना करती है, ओके?
ये ज़्यादा बड़ी बात है। उनकी जीवन शैली जो है वो अधिकतर हिंदुइज्म से प्रेरित है। हिंदुइज्म कहीं ना कहीं जीवन शैली ही होगा आगे जाके। चलिए आरंभ हिंदुइज्म पर करते हैं। मैंने बताया कि विश्व के सबसे पुराने धर्मों से जाना जाता है, भारत में डोमिनेंट है, विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है जहाँ पर भारतीय डायस्पोरा है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर तक भारतीय संस्कृति क्षेत्र था भारतवर्ष, तो नेपाल में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, हिंदू फेथ से एसोसिएटेड लोग वहाँ भी बसते हैं, श्रीलंका में तमिलियन बसते हैं, लेकिन डोमिनेंट लैंड इसका इंडिया है। विश्व के सबसे पुराने धर्मों में आता है हिंदुइज्म। विश्व के अनुयायी यदि मैं ले लूँ, द फॉलोअर ऑफ रिलीजन वाइज अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ, तो सबसे पहले आप सब जानते हैं क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम, तीसरे नंबर पर जिस धर्म के सबसे अधिक फॉलोअर हैं हिंदुइज्म हैं, ओके, थर्ड नंबर पर। क्लियर? ये कुछ लक्षण हैं हिंदुइज्म से जुड़ी बातें। ठीक हो आप लोग? बड़ा लाइन में ही हो आज। लिखा है कि इट्स ओरिजिन्स। देखिए, अब जब हिंदुइज्म की बात करते हैं तो ओरिजिन को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। मैं आपको जब हिंदुइज्म के विषय में बताऊं तो आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि देखिए, आज हमारी एक नदी गंगा है, गंगा आज भारतीय संस्कृति के मूल में तो गंगा है, ये तो सही है, एक नाम गंगा। लेकिन ये गंगा का जो उदय है ये कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलके होता है, तो ये कितनी नदियां हैं, भागीरथी है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, पिंडार है, रामगंगा है, और भी बता दीजिए, धौली गंगा, वो हमारा ड्रेनेज वाला चैप्टर देखिए, और कितने प्रयाग बनते हैं जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, मिलते मिलते बनते 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 फिर गंगा बनती है। तो वो नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज ने मिलके एक गंगा बनाई, एक गंगा बन रही है, इस तरह से गंगा का कोई एक उदय आप टेक्निकली तो बता देते हैं कि भाई गौमुख है, गंगोत्री ग्लेशियर है, क्योंकि आप भागीरथी को गंगा के रूप में मान के चल रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सभी ट्रिब्यूटरियों से मिल गंगा बन रही है, इस तरह से गंगा आती है। तो दिस होल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गंगा, ये है द कंप्लीट संस्कृति। इसी तरह से जब आप हिंदुइज्म की बात करते हैं तो ये कहना जितना अच्छा लगता है कि विश्व के सभी सबसे पुराने धर्मों में है, तो जितने ये चीज़ खुशी दे देती है हिंदुइज्म के फॉलोअर्स जो हैं उनको, उतना ही फिर इसे सत्य के रूप में भी लेना चाहिए कि फिर जब सबसे पुराना है तो उसमें ये बात भी फैक्ट आती है कि जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जो भी परंपराएं, जो भी रीति रिवाज, जो भी संस्कृतियाँ उत्पन्न होती रहीं, वो समय दर समय आपस में परस्पर जुड़ती रहीं, तो एक मुख्य धारा बनती रही, वो हिंदुइज्म है। ठीक है, तो किसी एक ब्रांच की तरफ जाना और ये कहना कि सिर्फ यही हिंदुइज्म है, फिर ये करेक्ट नहीं हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। अभी वहाँ गंगा बनने के बाद भी जब आगे बढ़ती है तो देखिए यमुना मिल रही है उसमें आकर के, है ना, यमुना आकर के मिल रही है, यमुना में चंबल मिल रही है, यमुना में और कितनी बेतवा, केन, ये नदियाँ मिल रही हैं, फिर गंगा में कोसी भी मिल रही है, फिर गंगा में सोन भी मिल रही है, गंडक, घाघरा, गोमती, कितनी नदियाँ मिल रही हैं, आगे जाइए ब्रह्मपुत्र जमुना बन के भी मिल रही है, फिर आगे जाइए इसका मिलान मेघना से भी होगा, वो समस्त यहाँ से यहाँ तक गंगा है भाई। इस तरह से मिलती गई धाराएं और एक गंगा बनती गई, इसी तरह से फिर भिन्न भिन्न परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृतियाँ जब मिल रही हैं तो एक गंगा यानी कि एक हिंदुइज्म बनता ही चला जा रहा है। इसलिए अगर कहीं कोई एक ट्रिब्यूटरी लॉस हो जाए, ख़त्म भी हो जाए,
तो भी गंगा की धारा अविरल है क्योंकि बाकी तो सब जीवित हैं, या कई नई पैदा होंगी वो भी इसमें मिल जाएंगी। तो गंगा का जीवित रहने का एक बड़ा कारण ये है। ऐसे ही हिंदुइज्म का आज दिन तक प्रैक्टिस में रहना का बड़ा कारण ये है, जबकि भारत में कितने बाहरी विचार, बाहरी लोग, शासक, व्यापारी, आक्रांता आए, लेकिन देखिए हिंदुइज्म आज भी डोमिनेंट है। कारण ये है कि उसके जीवित रहने का कारण ये है, वो बहुत ओपन सिस्टम है। वो बहुत ही एक ओपन सिस्टम के रूप में, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम के रूप में है, रिजिडिटीज़ बहुत कम है। इसलिए अनेक विचारधाराएं उस एक विचारधारा के साथ जुड़ करके एक बड़ी विचारधारा पैदा करती रही, वो जीवित ही रहा। ओके, तो ये जो एक गंगा है, यानी कि ये जो आज एक हिंदुइज्म देख रहे हैं, इसको जैसे कि ये एक फैब्रिक की तरह है, हिंदुइज्म एक फैब्रिक की तरह है, इसको अगर मैं खोलूँगा तो उसमें से मिलेंगे आपको फाइबर, अलग अलग फाइबर मिलेंगे। फाइबर को अगर मैं खोलूँगा तो कई स्ट्रैंड्स मिलेंगे। आई बात समझ में? नहीं, सच में गंगा को अगर एक फैब्रिक मानूँ, उसे खोलूँ तो उसमें से मिलेंगे कई थ्रेड। थ्रेड्स को अगर खोलूँ तो कई स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स को अगर खोलूँ तो कई फाइबर मिलेंगे। ठीक इसी तरह से आज हमारे सराउंडिंग में जितना भी मटेरियल है, हम उसे मैटर कह देते हैं, और मैटर के बेस में पार्टिकल्स हैं। ठीक ऐसे ही हिंदुइज्म है। ओके, ये कहानी है। तो वहाँ वही लिखा भी हुआ है, तो लिखा हुआ है कि इट्स ओरिजिन्स। लेकिन अब हम जब आज के लक्षणों से देखते हैं हिंदुइज्म को, काफ़ी हद तक जिस रूप में आज एग्जिस्टेंस में है, उस हिसाब से जब ट्रेस करने निकलें, तो फिर किसी एक पॉइंट पर आकर के पीछे से बहती आ रही संस्कृतियाँ कहीं एक पॉइंट पे आके नर्चर हुई होंगी, किसी एक पॉइंट पे आकर के कंसंट्रेट हुई होंगी, एक बड़ा पड़ाव, एक बड़ा रूप धारण किया होगा। उस पड़ाव में, उस बड़े रूप में आप वैदिक संस्कृति को देखते हैं, आप उसको एक पड़ाव मान लीजिए, कि पीछे से अलग अलग क्षेत्र जो हैं वहाँ से आ रही विचारधाराएँ, यानी कि वहाँ से आ रही ट्रिब्यूटरियाँ एक बड़ी संस्कृति के जन्म का कारण बनेंगी। बड़ी संस्कृति उन्हीं से मिलेंगी, लेकिन किसी एक प्रयाग में तो वो रुकी होंगी, जुड़ी होंगी। ऐसे ही कोई एक पड़ाव तो बना होगा समय के स्केल पर, जहाँ पर वो कंसंट्रेटेड वर्जन में दिख रही हैं चीज़ें, उसे हम फिर एक पड़ाव, एक ब्रेक पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज़ वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पर लिखा गया है वैदिक संस्कृति, हालांकि जड़ें बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, पर जिस रूप में आप आज देख रहे हैं, उस रूप में इमेज, जैसे हम जब इमेज डेवलप करना शुरू करते हैं, इमेज डेवलपमेंट का प्रोसेस तो बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इमेज दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हिंदू संस्कृति के जन्म का समय तो बहुत पहला रहा होगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर जब वो छन के आ चुकी है, थोड़ी दिख गई है, जो उसके लक्षण पक्के से हो गए हैं, ट्रेड्स ज़रा फिक्स से हो गए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर वैदिक शब्द यूज़ हुआ है। बस वैदिक से ही ओरिजिन है, ऐसा ना मान लेना, क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि विश्व की बहुत पुरानी, सबसे पुरानी, तो वैदिक ही पे रोक दूंगा तो फिर तो यहूदी बहुत पुराना हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर चले जाएं तो फिर बहुत पुराने पुरानी कहानियाँ, स्टोरी मिलती, फिर तो पारसी कल्चर बहुत पुराना हो जाएगा, अहूर मज़दा की कहानी बहुत पुरानी हो जाएगी। ओके, सो इट्स ओरिजिन्स कैन बी ट्रेस्ड टू एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशंस इन इंडिया अप्रॉक्स 3500 ईयर्स अगो। अब ये लाइनें लिखी, एक बार ये इन्हें पढ़ दूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। हिंदुइज्म डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल टीचर बट फ्रॉम मैनी ट्रेडिशंस। कितने तो दर्शन ही हैं, देखिए सांख्य दर्शन कपिल का, योग दर्शन पतंजलि का, न्याय दर्शन गौतम का, वैशेषिक दर्शन कनाड का, मीमांसा उत्तर मीमांसा जैमिनी का, और अंत में वेदांत दर्शन बादरण्य और शंकराचार्य का। तो कितने तो दर्शन ही हैं, सो कितना ज्ञान है, कितने ट्रेडिशंस हैं। सो इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस टू एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशंस इन इंडिया अप्रॉक्स 3500 ईयर्स अगो। हिंदुइज्म डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल टीचर बट फ्रॉम मैनी ट्रेडिशंस। द हिंदू बिलीफ सिस्टम
consist of a number of schools of thought with a wide variety of rituals and practices. तो number of schools of thoughts जो हैं वो हिंदू बिलीफ सिस्टम में समाये हुए हैं, और वो number of schools of thoughts के साथ आती हैं वाइड वेराइटी ऑफ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, कई मान्यताएं, कई रीति रिवाज. हिंदुइज़्म हैज़ अ वास्ट बॉडी ऑफ रिटन स्क्रिप्चर्स, आप जन जानते ही हैं. वेदों को ले लीजिए, उस वेदों के आगे आ जाइए आप तो उपनिषद आ जाएंगे, तंत्र आ जाएंगे, अगम आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, उसके बाद आप आ जाइए तो रामायण, महाभारत, फिर आप आ जाइए भागवत गीता, जिसे आप वैदिक फिलॉसफी, उपनिषदों की फिलॉसफी का, स्पिरिचुअल फिलॉसफी का समरी भी कह देते हैं, सार भी कह देते हैं अंत में जाके, निचोड़, जो कि जो लाइफ है उसके मीनिंग पर, वर्दीनेस पर बात करती है. दैट भागवत जो कृष्ण, श्री कृष्ण ने पांडवों में से एक पांडव दैट इज अर्जुन को सुनाई. तो इस तरह से बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ रिटन स्क्रिप्चर्स हैं. हिंदुइज्म फॉलोज द टीचिंग ऑफ मैनी गॉड्स और गॉडेसेस, जिनमें से कई गॉड्स एंड गॉडेसेस को आप क्या मानते हैं. सो मैनी गॉड्स और गॉडेसेस आर थॉट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल दैट इज़ द सुप्रीम बींग. ब्रह्म के ही कई आस्पेक्ट और लक्षणों को दिखलाते हैं अलग अलग गॉड्स गॉडेसेस. तभी तो जब कृष्ण विश्व रूप लेते हैं तो सब उन्हीं में उत्पन्न हो जाता है, महादेव ही में सब दिख जाता है, है कि नहीं. थ्री मेन डीटीज हम सब जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसमें महत्वपूर्ण रहती हैं, सेंट्रल रहती हैं. ब्रह्मा जो कि आप जानते हैं क्रिएशन से जुड़े हैं, विष्णु प्रिजर्वेशन से जुड़े हैं, और वहीं शिवा डिस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, डिस्ट्रॉयर. द पॉलीथीस्टिक मतलब कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाला. द पॉलीथीस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म कंसिडर अ लार्ज नंबर ऑफ डीटीज और स्पिरिचुअल एंटिटीज, सिंस देर इज़ नो वन क्रीड, यानी कि कोई एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ नहीं है, कई सारे बिलीव्स हैं. सिंस देर इज़ नो वन क्रीड और यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स, हिंदुइज्म हैज़ बीन रेफर्ड टू एज मोर ऑफ अ रिलीजियस ट्रेडिशन देन अ रिलीजन. आप इसे एक रिलीजियस ट्रेडिशन मानिए, एक पक्का पर्टिकुलर रिलीजन कहने से, ये कितनी बड़ी बात है. अपने आप में ये एक एक, एक संस्कृति के रूप में है, एक धार्मिक संस्कृति, ना कि कोई एक ठेठ धर्म. ओके, क्योंकि अनेक संस्कृतियों से किसको साथ लेके बह रही एक संस्कृति, जिसमें अगर किसी भी एक ही संस्कृति को अगर हिंदुइज्म मान के पक्की मोहर लगा देंगे तो संस्कृति का अपने आप में ही अपमान हो जाएगा. कितनी विशाल बृहद है, कितनी भव्य बड़ी है, उसके आकार को छोटा करना जैसा हो जाएगा, उसकी आयु को सीमित करना जैसा हो जाएगा, उसकी शिक्षाओं को सूक्ष्म करना जैसा हो जाएगा, ये कितना गलत होगा, सोचो. तो इट इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ रिलीजियस ट्रेडिशन देन ए रिलीजन. क्यों होड़ मची हुई है पता नहीं रिलीजन करार देने में लोगों को. मैं तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ा मानता हूँ कि वो हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि जब कुछ नहीं था तब वे ऑफ लाइफ थी, जब कुछ नहीं रहेगा वे ऑफ लाइफ रहेगी. चीज़ें तो आनी जानी रहनी है, यहीं से तो उसे शायद एक शाश्वत चरित्र मिलता हो, यही तो है. क्योंकि जो शाश्वत रह जाएगा, जो शाश्वत है, वो तो नैतिकता पर आधारित जीवन ही है, नैतिकता पर आधारित जीवन ही है. और वह नैतिक मूल्य ही को तो मैंने धर्म माना है. धर्म शाश्वत होता है. पंथों की तो आयु होती है, पंथों के तो फाउंडर होते हैं, पंथों की तो एक सीमा होती है, धर्म शाश्वत होता है. ओके, सो ये कहानी है. हिंदुइज्म कैन नॉट बी डिफाइंड बट इज इंस्टेड एक्सपीरियंस्ड. आप अनुभव कर सकते हैं, ये लक्षण आपको अनुभव हुआ, ये आपको हो सकता है कि हाँ ये एक नैतिक लक्षण है, इसी ही की शिक्षा देता है एक संस्कृति, हिंदू संस्कृति. इससे विमुख हो रहे हो और फिर बोल रहे हो मैं हिंदुइज्म कर रहा हूँ, ना 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 ना, विचार करना, तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे. तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि अब तुम हिंदू हो कि नहीं, कोई और नहीं, तुम्हें करना. लेकिन यदि अनुभव हो रहे हैं कि हाँ परमार्थ हुआ, हाँ पुरुषार्थ हुआ, हाँ परोपकार हुआ, हाँ सार्वभौमिकता है, हाँ सहिष्णुता है, हाँ जनकल्याण है, तो ये अनुभव हो रहे हैं, हाँ तो हिंदुइज्म में हो, यही नैतिक जीवन शैली तो हिंदुइज्म है. यदि इससे विपरीत जा रहे हो तो फिर विचार कर लो कौन सा हिंदू हो, ये तो सोचना पड़ेगा. ओके, सो यही कारण है कि फिर जब इसे अनुभव ही किया जा सकता है तो फिर इसकी कोई सीमा रहती है. कितने ही एवेन्यूज़, कितनी ही अंडरस्टैंडिंग्स, कितने ही विचार इसका अंग बन जाते हैं, सब उसमें समा जाता है. यही तो विवेकानंद कह रहे थे, फिर और कह क्या रहे थे वो. इसे एक मॉरली गाइडेड प्रिंसिपल की तरह देख रहे थे, तभी तो कह रहे थे कि धर्म सनातन होता है. उस सनातन स्वरूप में सभी अलग अलग पंथ की नदियां आके समुद्र में जैसे नदियां समाती हैं वैसे समा जाएंगी. गलत क्या बोला था,
सही तो था, क्योंकि धर्म सनातन होता है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप धर्म के लेवल पर ही बने रहो, थोड़ा भी नीचे आए तो फिर वो सनातन रूप चला जाता है। ये हर धर्म को अधिकार है, ये अधिकार हर धर्म को है। ओके सो कहाँ चले गए भाई? हिंदुइज्म कैन नॉट बी डिफाइंड बट इज इंस्टेड एक्सपीरियंस्ड। दिस अंडरस्टैंडिंग अलाउज अ वेराइटी ऑफ बिलीव्स टू बी इंक्लूडेड इन द वास्ट एरे ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हिंदुइज्म इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशन एंड लाइफ स्टाइल विद डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ प्रैक्टिस। दिस अलाउज फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल डीटीज और देयर मैनिफेस्टेशन विद इन वन हिंदू फेथ। एक हिंदू आस्था में कितनी सारी स्पिरिचुअल डीटीज एग्जिस्ट कर रही है। देखिए हिंदुइज्म जो है, ये लाइन पहले पढ़िए फिर समझिए। हिंदुइज्म इज एन एक्सट्रीमली डाइवर्स रिलीजन, मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिफाइन सेट डॉक्ट्रेन्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल डिनोमिनेशंस। देखिए जितनी भी डिनोमिनेशंस का मतलब यहाँ पर हिंदुइज्म के अंदर जो अलग अलग मत हैं, जिनको मानने वाले उनके फॉलोअर्स अनुयायी हैं, उन सब के लिए सामने, उनके सामने अगर आप कोई एक परमानेंट, एक फिक्स्ड, एक सेट कोई डॉक्ट्रिन रखें, कोई विचारधारा, कोई पद्धति, कोई प्रैक्टिस, कोई रिचुअल अगर रखें, तो शायद सब लोग उस एक प्रैक्टिस को फॉलो ना करें। तो ये इतना का विविध है, इतना का डाइवर्स रिलीजन है कि ये बहुत कठिन हो जाता है कि कोई एक पद्धति विकसित की जा सके सभी अलग अलग मतों और पंथों के लिए, ऑल डिफरेंट सेक्ट्स के लिए। हिंदुइज्म के अंदर ये इतना डाइवर्स है हिंदुइज्म। ओके हम इस विषय में भी अभी समझेंगे, लेकिन इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है हिंदू बिलीफ में। वो उत्तर चले जाइए, दक्षिण चले जाइए, पूर्व पश्चिम, जहाँ भी जाइए, किसी भी मत में जाइए, वैष्णविज्म में जाइए, शैविज्म में जाइए, जहाँ भी जाइए, कुछ चीज़ें आपको फिर कॉमन मिलेंगी। वो क्या है? सो जनरल कॉन्सेप्ट्स दैट आर कॉमन टू हिंदू बिलीव्स वो ये हैं, दैट इज़ धर्म, संसार, कर्म, मोक्ष। चलिए इस विषय में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए हिंदुइज्म इन पर खड़ा है, ये विचार महत्वपूर्ण है, धर्म का विचार, कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपका वे ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, जीवन जीने का सलीका क्या होना चाहिए, जीवन धर्म अनुसार होना चाहिए, इसका विचार सदैव रहता है। आप अपने दायित्वों को पहचाने, क्या क्या पुण्य है, क्या पाप है, इसे समझें। देखिए पुण्य पाप का कॉन्सेप्ट जब नेगेटिवली किसी के पैसे कमाने के लिए उपयोग में आता है वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन अदरवाइज़ ये देखा जाए तो आज के मॉडर्न सिस्टम में इसे सिंपली ऐसे ले लीजिए, क्या लीगल है क्या इलीगल है, या क्या लिसिट है क्या इलिसिट है, या क्या लेजिटिमाइज्ड है और क्या इलेजिटिमाइज्ड है। जब ये स्वीकार्य है तो पाप पुण्य भी स्वीकार्य होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? आज के मॉडर्न सिस्टम में लीगल इलीगल के तहत जब इलीगल की बात आती है तो आपको पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टी लगती है, तब आप उससे मुक्त हो पाते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हिंदुइज्म में क्या होने लगा कि पाप और पुण्य में पाप का लेवल बना दिया गया, जैसे कि बहुत छोटा पाप है, बड़ा पाप है, ठीक ठाक सा पाप है, और पाप को बैलेंस कर दोगे पुण्य कर करके, और दूसरा पाप धो लिए जाते हैं, तो गंगा जी में स्नान करो पाप धो लो, उपाय करो पाप धो लो, इतनी यजमानी दे दो पाप धुला देंगे, कर्म कांड करके पाप मुक्त हो जाओ, अनुष्ठान करा लो पाप मुक्त हो जाएं। लेकिन अब आज के समय में मॉडर्न लीगल सिस्टम जो होता है उसमें क्या है कि आपने एक हत्या कर दी, तो अब आप कई लोगों की जान बचा करके उस हत्या से बच नहीं सकते, कुछ सज़ा मिलेगी। सलमान खान का केस जब कोर्ट के सामने आया था तो वकीलों ने बहुत कहा कि इतनी सर्जरी करवाई है, इतने लोगों की हेल्प की है, इतने बच्चों का इलाज कराया है, तो कोर्ट ने यही कहा था कि वो कितने ह्यूमैनिटेरियन है वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन एक सोसाइटी जो लॉ बेस्ड सिस्टम से चलती है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वो कितने लॉ अबाइडिंग है हमारे लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है,
वो कितने ह्यूमैनिटेरियन है, दैट सोसाइटी विल डिसाइड। सोसाइटी उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देगी, रिसीव करेगी, अलग बात है, बट सोसाइटी ने एक लीगल सिस्टम बनाया है जिसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो लॉ अबाइडिंग कितने हैं। उसमें अगर वो लॉ ब्रेच करते पाए जाएंगे तो वी हैव टू पनिश, इट इज़ वेरी सिंपल। इसी तरह से समाज है और राज्य है, ये अलग अलग हैं। सो हमसे बहुत सारे ऐसे अपराध हो जाते हैं जीवन में, जो अपराध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, निजी, कई तौर पे, लेकिन फिर पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट में उन्हें धो दे देने वाली बहुत सी संस्थाएं पैदा होने लगी। खास तौर पर पंडितों ने ये काम काफ़ी किया, तब ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ। अदरवाइज़ पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि जब आपने वे ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना है किसी का, उसके क्या दायित्व हैं, तो यह तो मैटर करता ही है कि क्या धर्म और क्या धर्म है। आपसे अधर्म हुआ है तो आप ये इस ग्लानी में तो हैं कि मुझसे पाप हुआ है, अब पश्चाताप और प्रायश्चित के मार्ग हैं वो आप पालन करिए, तो होना ही है। जो बनती पनिशमेंट है वो आपको मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट पुराने रहे हैं, शराब का कॉन्सेप्ट रहा, ईश्वर को भी लगे हैं, भुगतना पड़ा है उन्हें। अब आप उसकी जड़ों में जाके देखें कि वही सही में कोई भुगता कि नहीं भुगता, वो तो फिगर ही माइथिकल थी, माइथोलॉजिकल थी। तो माइथोलॉजिकली फिगर सही भाई, सवाल तो ये है कि मैटर हमारे लिए कॉन्सेप्ट कर रहा है, और जितने हज़ार वर्ष पहले वो माइथोलॉजिकल फिगर को सेंटर बना के कोई बात लिखी गई, तो इतना इसका मतलब उस समाज में ये मूल्य बहुत प्रिय थे। ये देवर द हाईली डिज़ायरिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। तो बात तो हम उसकी कर रहे हैं ना भाई, बात तो हम उसकी कर रहे हैं, उसकी मान्यता है, वो मानो चुप करके। कि अगर किसी विचार पर बात हुई है महाभारत में, धर्म की रक्षा की बात हुई है, तो उसमें जो मूल्य बताए गए हैं, अब इस बात की बहस करना कि महाभारत सही में कहाँ हुई कहाँ नहीं, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाओ, बात यह है कि अगर कोई 1000, 1500, 2000 साल पुराना कोई ग्रंथ है और वो अगर इस तरह के वैल्यूज़ की बात कर रहा है, तो बड़ी बात तो यह है कि हमारा आज का समाज उन्हीं समाजों की आगे की पंक्ति में जुड़ने वाले लोगों से बना है। तो फिर हमारा जो पिछोकड़ है, हमारा जो हेरिटेज है, उसमें ये वैल्यू सिस्टम है, तो बस इसकी पालना करनी है हमने, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है धर्म का महत्व, यहाँ है। राजा का अपना धर्म है, राज्य धर्म है, आपके निजी धर्म है, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का, पिता का अपना धर्म है, माता का, संतान का अपना धर्म है, व्यापारी का भी धर्म है। धर्म आपके कार्य, आपके पद, आपके कर्म के निष्पादन से जुड़ा हुआ वह अंतर्निहित मूल्य है, जो उस मूल्य को निकाल लीजिए तो फिर जो भी आपने दायित्व निभाया या कार्य किया या जो भी निष्पादन आपके हाथों हुआ, जो भी कार्य आपके हाथों संपन्न हुआ, वो मूल्यविहीन है फिर, क्योंकि उसमें धर्म नहीं। धर्म ये है, मेन आस्पेक्ट ये है। जल का धर्म है प्यास बुझाना, सिंचित करना खेतों को, जो जल ये नहीं कर पा रहा है तो फिर वो जल नहीं, ये अधर्म है। ओके, तो ये कर्म का सिद्धांत, सॉरी, ये धर्म का सिद्धांत बहुत प्रोमिनेंट है। अब ये आपको हिंदुइज्म में हर सेक्ट के अंदर, हर मत के अंदर मिल जाएगा, ये कॉमन एलिमेंट है, धर्म पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो आता है जीवन को, धर्म का कॉन्सेप्ट मैटर ही नहीं करेगा अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मिटा दें, दैट इज़ द संसार, संसार दैट इज रीबर्थ, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म होना, है ना, पुनर्जन्म होना, ये पीछे धर्म से ही जुड़ा हुआ है। क्यों, मैं थोड़ा संसार समझाऊं, मैं अगले पे जंप करता हूं फिर आऊंगा। तो कर्म, कर्म क्या है, इस समय में आपके एक्शंस, इस समय में आपके द्वारा चुने गए फैसले, योर चॉइसेस, योर एक्शंस, योर डीड्स, योर चॉइसेस, योर प्रेफरेंसेस, योर कर्म। तो जो भी चॉइसेस आप बना रहे हैं, जो भी एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आपकी डीड्स हैं, बी इट एनीथिंग, अभी उसको मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जैसी भी जो भी है, ये जो आप कर्म कर रहे हैं, यही अल्टीमेट एलिमेंट है कर्म का, जो ये निर्धारित कर रहा है कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो धर्म संगत है कि नहीं है, जो कर्म आप कर रहे हैं वो धर्म संगत है कि नहीं है। अगर आप अधर्म कर्म कर रहे हैं, अधर्मी कर्म कर रहे हैं,
तो फिर जो आपका जो पुनर्जन्म होगा, जो आपका रीबर्थ होगा, उसमें आप कम वर्च्यूज के साथ पैदा होंगे, कम गुणों के साथ अवतरित होंगे, निचले तबके में अवतरित होंगे, समाज में निचले स्तर पर अवतरित होंगे, उसे आप लोअर कास्ट भी मान लीजिए। फिर इसका मिसयूज इस सेंस में हो सकता है कि इस समय जो भी लोग लोअर कास्ट में हैं, यानी कि जिस समय की समाज की बात हो रही है, आप उन सबको ये कह करके कहें कि तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का तुम फल भुगत रहे हो, इसलिए इस परिस्थिति में तुम पापी हो। जो ये कह रहा है वह एक पाप कर रहा है, वह भी एक पाप कर रहा है। अगर ये प्लेनली एक मेरिट बेस्ड एस्पेक्ट है कि जिस तरह के कर्म पिछले जन्म में हुए हैं वो धर्म से चलित थे कि नहीं, वो कर्म धर्म से गाइडेड थे कि नहीं, ये एक मेन एलिमेंट है ना, वो गाइडेड होने चाहिए ना। हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं उनको गाइड करना ज़रूरी है ना, अगर वो गाइडेड थे, है कि नहीं। तो मेन एलिमेंट ये है कि फिर इस समय में जो जन्म हुआ है आप उसके प्रति प्रेजुडिस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि ये जन्म अवसर के रूप में मिला है, ना कि पनिशमेंट के फॉर्म में। बात को समझिए, ये जो जन्म मिला है ये अवसर मिला है, ना कि सजा मिली है। अवसर इस कॉन्सेप्ट में कि अब तुम्हें क्लियर हो गया कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं तुम्हारे कर्म, जिन वजहों से इस जन्म में तुम्हारे गुण कम हो गए, तुम्हारा सामाजिक दायरा कम हुआ, स्थान कम हुआ। तो अब इस जन्म में तुम अपने गुणों को सद्गुणों में बदलो, अपने कर्मों को सद्कर्मों में बदलो, ताकि तुम फाइनली नेक्स्ट बर्थ में हायर वर्च्यूज के साथ पैदा हो, बड़े गुणों के साथ पैदा हो और अव्वल दर्जे के समाज में पैदा हो, उचले दर्जे पर पैदा हो, द राइटियस वन, जो धर्म पर चलता है। और ऐसे में तुम सीढ़ी दर सीढ़ी हर बर्थ में ऊपर ही जाओ, तो अल्टीमेटली तुम उस डिवाइन स्पिरिट में अटैच हो जाओगे वापस जाके, जिससे तुम्हारा ओरिजिन हुआ है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ संसार, आई बात समझ में। तो ये तो अवसर मिलता है, लेकिन समाज को इतना समझना ज़रूरी है, जो उनके प्रति प्रेजुडिस्ड हो रहा है या जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हर किसी के इस समय की जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में उसकी जो निजी कारण है वो एक फैक्टर है, लेकिन हम यदि उसके लिए सामाजिक माहौल ऐसा बना रहे हैं, राजनीतिक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि वो अपनी परिस्थिति को सुधार ही ना सके, तो फिर ये कहना कि इसकी परिस्थिति का कारण ये आप ही है, समय इसकी खुद की समस्याएं ही हैं, ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये काम नहीं करना चाहता, ये हमारी कॉमन सेंस हो जाएगी, हमने सोसाइटी में पढ़ा था, जबकि हो सकता है कि हम उन्हें पढ़ने लिखने के अवसर ही नहीं दे रहे। तो इसलिए जो इस समय समाज में मेरा व्यू पॉइंट समझ लेना ज़रा, जो सही कॉन्सेप्ट था वो ये कि इस एक व्यक्ति को अवसर ये मिला है रैंक लोअर, लेकिन पिछले जन्म में अच्छे कर्म हुए हैं, तो एक व्यक्ति को अब अवसर ये मिला है रैंक हायर, तो ये रैंक हायर का क्या रोल है फिर इस जन्म में रैंक लोअर वाले को, यानी कि इस हायर का क्या रोल है इस लोअर के लिए कि इसे हर तरह से वो ग्राउंड फैसिलिटेट करा के दे कि अपने इस अवसर को, अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ये फुली यूटिलाइज कर सके, ना कि ये मार्जिनलाइज रहे, इसके सारे प्रबंध करो, ये दायित्व है, ये है कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। और जो भी इस पर चले हैं, जिन्होंने भी इस विचार की मान्यता की है सही मायने में, जो हिंदू मान्यता सही मायने में, जो पवित्र मान्यता है, उसका स्तंभ, उसका आधार वो लोग हैं, चाहे वो सप्त ऋषियों के सिद्धांत हैं, चाहे वो शिव का स्रोत है, शिव का ज्ञान है, चाहे विष्णु चाहे ब्रह्मा का, उनका पकड़ लेना, ध्यान दे लेना, सारा पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, येस्टरडे मेरे कर्म गलत थे तो आज मेरा न्यू बर्थ है,
अगर मैं इस वर्ण में, इस अवसर में पैदा हुआ हूँ, दैट हायर रैंक कि मैं पढ़ाने में योग्यता रखता हूँ, तो जो इस वर्ण, इस अवसर में पैदा हुआ है कि उसकी बुद्धि कम है, तो मेरा दायित्व क्या बनता है? उसकी कम बुद्धि कारण उसे इटर्नल सफरिंग के लिए सप्रेस कर देना, मार्जिनलाइज कर देना, या हर तरह से प्रयास करके उसे ऊपर उठाना, ऊपर उठाना? ये ऐसे आया, ये संकल्प, ये कल्पना ऐसे आती है, लेकिन हुआ क्या हकीकत में, आप सब जानते हैं। वही कहानी जो मैंने कहा, ज्ञानी आदमी के ज्ञान की ताकत का लाभ हर कोई उठाना चाहता है, ज्ञानी आदमी का ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता, कोई अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि कठिनाई बड़ी आती, क्योंकि निजी मजे, निजी इच्छाएं, आसक्तियां छूटने लगती हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती हैं। ज्ञानी आदमी आचार नहीं खाएगा, मैं नहीं कह रहा आचार नहीं खाना चाहिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ज्ञानी आदमी आचार नहीं खाएगा, बीमार कम पड़ेगा, गला ठीक रहेगा, परिवार का हर सदस्य उसकी इस निरोगी काया का लाभ जरूर उठाना चाहता है। लेकिन वही ज्ञानी आदमी सबको कहे घर में, यार आचार मत खाया करो, मत आचार मत खाया करो, आचार के बिना कोई मजा जिंदगी में? तो ज्ञानी आदमी के ज्ञान की शक्ति का लाभ हर कोई चाहता है, उसका ज्ञान कोई नहीं चाहता है, यही तो कहानी है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने ये पहले थोड़ा और इजी वे में कह दिया है कि भगवान को तो सब मानते हैं, भगवान की ही नहीं मानते बस। आई बात समझ में? इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से ये जो संसार चक्र है, रीबर्थ, री इनकारनेशन, ये जरा ध्यान से देखिए, ये एक प्रक्रिया है, इट इज़ अ मीन्स, ये जरिया है जिसके वाया हमारी जो सोल है वो ट्रांस माइग्रेट करती रहती है, नए नए जन्मों में नई नई काया धारण करके, और वो उसका इस ट्रांस माइग्रेशन जारी रहेगा जब तक वो उस एटर्नल डिवाइन सोल में ना मिल जाए जिससे उसका उदय हुआ था। और ये कितना बड़ा है, कितना सही, कितना वृहद कॉन्सेप्ट है, अगर इसे नेगेटिवली यूज़ ना किया जाता, कि क्योंकि आपको समझाया जा रहा है कि कितना ऑप्टिमिज्म देखिए इसमें कितना है, कि अगर इस जन्म में किन्हीं कारणों से कुछ भूल हो भी गई तो आपको बताया जा रहा है कि चिंता मत करो, पहले तो सुधार लो, ऑप्शन है, अब सदकर्म कर लो तो तुम्हारे अगले जन्म में जो अभी नेगेटिव कर्म हुए कुछ कट जाएंगे, लेकिन सदकर्मों से काटो भाई। बैठ गए किसी के सामने और उसे कह रहे हैं करिए, जपिए जल्दी जाप और मेरा काटिए फटाफट, कितने में कटता है बताइए, 11,000 में काटेंगे, 21 में, ये क्या है तरीका भाई? तो सदकर्मों से इसे बैलेंस करो, पहले तो इसी जन्म में, फिर वो कह रहे हैं पाप भारी हुआ है सदकर्मों से भी, कह रहे भाई वरी क्यों है भाई, अगला जन्म पूरा पड़ा है अभी, तो उसके भी अगला पड़ा है, अगले का अगला पड़ा है, जब तुम्हें एक दिन मोक्ष लेना ही है, तुम्हारा परम उद्देश्य मोक्ष पाना है, तो अटेम्प्ट की कमी नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, लेते रहो। कहते कितना अटेम्प्ट है, कहते 84,00,000 योनियां, लगे रहो, एज का कोई लिमिट नहीं है, नेक्स्ट एज में भी ले सकते, बिल्कुल सिविल सर्विस की तरह, उसमें जनरल के लिए 21 से 32 तक 6 अटेम्प्ट है, इसमें क्या है कि अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, एक वाइडर लिमिटेशन है कि 84,00,000 योनियों के बीच में गेम खेलनी पड़ेगी, हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर घुमा देंगे, फिर चक्री अंदर ही घुमा देंगे तुम्हारी। और कह रहे हैं फिर तो फिर मतलब कि अब 6 अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब पढ़ाई नाश कर दूँ, जो अब तक सीखा पढ़ा सब भुला दूँ, क्योंकि IAS तो हुआ नहीं, अब बर्बाद हो जाऊँ? तो कह रहे हैं इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, बर्बाद नहीं होना, क्योंकि अनलिमिटेड ही चल रहा है पहले सब। दूसरी बात, हर बार एक अवसर है बेहतर होने का, तो पिछला जो अर्जित किया है गवाना देना, तो कॉन्टिन्यूस एक साइकिल ऑफ धर्म के आधारित जीवन चलाने के लिए ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, कि आपको ऑलवेज होपफुल रखा जाता है, ऑलवेज ये बताया जाता है कि ये मत सोचना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, ये मत सोचना कि तुम्हें कोई परख नहीं रहा है, तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है, या ये मत सोचना कि 10 दिन मौज करके या 10 साल या 20 साल मौज करके तुम बच जाओगे, जो मर्जी दुष्कर्म करते रहो, तुम्हारा हिसाब होगा और अगले बार जो तुम पैदा होगे वो उसी हिसाब पे डिपेंड करेगा, वो ही गाइड करेंगे। तो तुम्हारे अब ध्यान से सुन लो, जो इस ध्यान से सुनना इस बात को, इस बार जो कर्म करोगे उसे गाइड करेंगे धर्म,